अलीगढ़ में 23 दिसंबर को इगलास विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जनसभा होगी। इसका प्रचार करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में विवादित नारे लिखे हुए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अखिलेश और जयंत प्रदेश को संभालेंगे और यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद योगी महंत चिलम फूकेंगे। ये पोस्टर युवा राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश के महासचिव राजा भैया के नाम पर लगाए गए हैं। अलीगढ़ में जगह जगह पोस्टर लगे हैं। वहीं इस पोस्टर के बारे में पूछने पर युवा रालोद प्रदेश महासचिव राजा भैया ने कहा कि इस नारे का मतलब है कि प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत नागरिकों की सुरक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा विकास की है। प्रदेश में ऐसे लोग विराजमान हैं जो विकास के काम को महत्व नहीं देते और फालतू बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लगता है कि वो नशे में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना राजा भैया ने कहा कि वो सिर्फ ठोकने की बात करते हैं। पोस्टर पर ये लिखा है कि आप प्रदेश को संभालेंगे माननीय अखिलेश और जयंत, और बाकी जो लोग हैं वो 2022 के बाद फूकेंगे चिलम। इस तरीके से है चिलम का क्या मायना? चिलम का मायना ये है कि आप प्रदेश में जो महत्वपूर्ण जो जरूरत है वो नागरिक की सुरक्षा के लिए है, रोटी कपड़ा मकान के लिए है, यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए है। लेकिन प्रदेश में ऐसे लोग विराजमान हैं जो इन चीज़ों को महत्व न देते हुए फालतू की बातें करते हैं, जैसे कि नशे की हालत में है, जैसे कहते हैं कि हम ठोक देंगे, और पश्चिम बंगाल की रोड्स, अमेरिका के फैक्ट्री और अपने यहाँ पे विज्ञापन में लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नशे की हालत में लोग हैं। मैं इनसे कहूँगा कि अपने घर पर बैठें और प्रगति जो सरकार करना चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, उनको स्थान दें, वो अपनी सरकार चलाएं। और मुख्यमंत्री है, भाषा का प्रयोग होगा चुनावों में? इस तरीके की भाषा कहाँ है? अरे आपका जो शौक है वो अपने घर बैठ के करें, प्रदेश की गद्दी पर बैठ के आप क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ देश जो है प्रगति करना चाह रहा है, विश्वगुरु बनना चाह रहा है, तो प्रगति तभी तो होगी प्रदेश की, तब आप घर जाके बैठेंगे। और पढ़े लिखे नौजवान जो नेता हैं वो राष्ट्रीय लोक दल के नेता राजा भैया यहाँ नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो उनका शौक है वो घर पर बैठकर करे, सत्ता के नशे में बैठे लोग प्रदेश की प्रगति नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ बातें शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग चिलम पी रहे हैं, नशे में सत्ता चलाई जा रही है, और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सत्ता के नशे के साथ ही अन्य चीजों का नशा भी इनमें शामिल है। राजा भैया ने कहा कि 2022 में हमारा नशा डेवलपमेंट का होगा, हमारा नशा प्रदेश की प्रगति के लिए होगा, देश को विश्व गुरु बनाने का नशा होगा। पंजाब केसरी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।